हेलो बच्चों, मैं मिसेस डीन लालबाग दल सेंट्रल कॉलेज से और मैं अपने क्लास 10 के बच्चों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने लालबाग दल सेंट्रल कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम आज मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 है हमारा और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि हम लोग क्लास 9th में एक चर वाले समीकरण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हम लोग यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उसे ग्राफ के द्वारा किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है वो भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही चर राशि हो। जैसे कि अभी आप ध्यान दो, हमने एक समीकरण आपके सामने लिया b बाय प्लस सी या 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर फोकस करो तो आपको यहाँ पर x और यहाँ पर y सिर्फ और सिर्फ एक चर राशि दिख रही। तो इस तरीके के समीकरणों का अध्ययन हम लोग क्लास 9th में कर चुके हैं। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं बच्चों, दो वो है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। तो ये दो चर राशि वाले का मतलब क्या हुआ, अंडरस्टूड है कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशियाँ हों। यदि आप इसमें ध्यान दीजिए तो यहाँ एक्स और यहाँ पर वाई, ये दो राशियाँ हमारी क्या है, चर है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ए बी और सी का भी प्रयोग करा गया। तो यदि आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर ए बी और सी हमारी अचर राशियां कहलाती हैं, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण के तौर पे रखा हुआ है, एक समीकरण रखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और दूसरी आपके समीकरण रख रखिए 2x प्लस 7y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ऐसी आपके सामने बहुत सारी समीकरणें हो सकती हैं। और यदि आप ध्यान दीजिए तो x और y यहाँ पर दो आपकी चर राशियाँ हैं, यहाँ भी दो चर राशियाँ हैं। बाकी के जो आपके अंक दिख रहे हैं वो 2 और 3 या 7 या 11 या 2, ये सारे के सारे आपके वास्तविक संख्याएं, यानी कि जो हमने अभी हम तुलना करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के समीकरण से, तो यहाँ पर ए की जगह पर स्थान पर क्या आ रहा है बच्चों, 1, बी के स्थान पर आ रहा है 2 और सी के स्थान पर आएगा -3। दैट इज कॉल्ड द ऑल द वास्तविक संख्याएं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को समझ चुके हैं, जहाँ पर x और y कोई भी दो आपकी चर राशियाँ हो सकती हैं। लेकिन ये समीकरण क्या है, क्योंकि बार बार हम इस समीकरण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो बच्चों, समीकरण वो होता है जहाँ पर x और y के कोई भी मान रखें, अब x, y, z कुछ भी, जैसे कि 1 या 2 या 3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आए, तब हम कहते हैं कि हाँ, यह युग्म रैखिक समीकरण का युग्म का हल होगा। अन्यथा यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं है। जैसे कि ये समीकरण हमने एक रख रखी है 2x plus 3y is equal to 5। यदि सपोज इसमें मान लो मैं x के स्थान पे 1 रखूं, मान लो कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। हमने स्टार्ट करा 1 से, तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले। सभी बच्चों को पता है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा इज इक्वल के लेफ्ट साइड होता है और राइट हैंड साइड हमारा इज इक्वल के राइट तरफ होता है, यानी जिस तरफ हाथ चलता है वो राइट साइड होगा और जिस तरफ ये है ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x प्लस 3y। अब हमने क्या कहा, x इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो x के स्थान पर हमने 1 रखा और यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 यहाँ भी रखेंगे। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ करके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो समीकरण है वो हमारा दो चरों वाला है रैखिक समीकरण, 3 × 1। ठीक है, तो 2 + 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। तो आपने क्या देखा, जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब समीकरण के दोनों पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है तो हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि यह एक समीकरण का हल होगा। हल होगा से मतलब क्या हुआ, हल यानी उसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, क्योंकि इन दोनों का मान रखने पर ये समीकरण लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया। ये सारी चीज़ें वैसे हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सा हमने सोचा समझा दें। अब बच्चों हम लोग आएंगे रैखिक समीकरणों का आलेखीय यानी कि ग्राफीय निरूपण। लेकिन आलेखीय यानी कि ग्राफीय निरूप
समीकरण को समझाने के लिए हम अभी आपको समीकरण भी समझाएंगे, साथ ही साथ हम दिखा देते हैं जब हमें ग्राफ बनाना होगा तो हमें किस तरीके की ग्राफ कॉपी लेनी होगी। सभी बच्चे जानते हैं कि इस तरीके की ग्राफ कॉपी मिलती है, यदि नहीं भी मिल रही है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपके पास कोई भी पुरानी ग्राफ कॉपी रखी हो या पुराने लूज पेपर रखे हुए हो तो इस तरीके के ग्राफ पेपर का भी अलग अलग से प्रयोग कर सकते हैं। पहली चीज तो ये तो ग्राफ पेपर है, सभी बच्चों को पता है ये हमारे सेंटीमीटर वाले खाने होते हैं छोटे छोटे, अभी इसके बारे में भी डिटेल बताएंगे। पर इससे पहले हम आपके सामने थोड़ा सा ये बता दें कि जब हम रेखीय समीकरणों का आलेखीय निरूपण करेंगे यानी उसको बनाएंगे तो आपकी सिचुएशन किस किस तरीके से आ सकती है। आपके सामने जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के समीकरण दिए जाएंगे, कोई भी दो समीकरण, जैसे मान लीजिए मैंने एक समीकरण आपका रखा 2x + 7y = 11 और एक रख दिया x - 3y = 5। ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, चूंकि दो हैं इसलिए युग्म भी कहलाएंगे ये। अब इसका हम इस समीकरण का प्रयोग, वैसे तो हम सॉल्व भी करके x और y के मान निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने से पहले हमें ग्राफ पे बनाना है। तो ग्राफ पे किस तरीके से बनाएंगे यही सारी चीज़ें हम आज बताने जा रहे हैं। उसके लिए मैं एक इस तरीके का क्वेश्चन उठाने जा रही हूँ बच्चों, जो तुम्हारा मतलब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हो, लाइक कहानी की तरह भी क्वेश्चन हो और एक ऑटोमेटिकली इस तरीके से भी बन जाए। तो उससे पहले ज़रा सा समझ लो ये बातें जो हमने यहाँ पर पहले से ही थोड़ा लिख रखी हैं कि जब हम ग्राफ का बेटा नोटेशन मतलब आपको ग्राफ का हम बनाएंगे तो वहाँ पर या तो दोनों रेखाएं यानी जो इन दोनों समीकरणों से रेखाएं हमें प्राप्त होंगी या तो वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या हो सकता है ये दोनों समीकरणों का जब हम हल करें तो हमें इस तरीके का ग्राफ ना मिल करके इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाओं के फॉर्म में भी मिल सकता है। और हो सकता है इन दोनों को हम सॉल्व करें ना हमें ये मिले ना हमें ये मिले, हमें एक ही लाइन मिले, यानी कि दोनों रेखाओं का निरूपण जब हम लोग करें यानी कि जब हम प्रदर्शित करें या बनाएं तो हमें एक ही लाइन एक कॉमन उस पर ओवरलैपिंग के फॉर्म में मिल जाए, नहीं इन ऐसी रेखाओं को संपाती रेखाएँ कहते हैं। तो कोई भी तीन कंडीशंस हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका ये आए ये आए ये आए, ये तो सॉल्व करने पे पता चलेगा। तो कहने का मतलब है जब हम दोनों रैखिक समीकरणों का हल करेंगे ग्राफ पेपर पर तो दोनों रेखाएं या तो एक बिंदु पर लाइक इस तरीके से प्रतिच्छेद करती नज़र आएंगी या समांतर रेखाएँ बनाती नज़र आएंगी या दोनों रेखाएँ संपाती हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि जब हम समीकरणों का हल करते हैं जब हम अलग अलग मान रखेंगे तो इस तरीके की हमारी तीन प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। तो बच्चों आओ हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है यानी पापा अपनी बेटी से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। वेरी इंटरेस्टिंग, एक मतलब है कहानी नुमा क्वेश्चन लिया। अब देखो इसी क्वेश्चन को उन्होंने कितने अच्छे ढंग से कहा कि इस स्थिति को कंडीशन को बीजगणितीय यानी बीजगणितीय मतलब समझ में आया बच्चों, यानी लाइक दिस इस तरीके से, ये दिस इज कॉल्ड द बीजगणितीय मेथड, ये बीजगणितीय मेथड है, यानी इस स्थिति को जो आफताब यानी पापा और बेटी की जो बातें हो रही हैं उसको तुम्हें इस फॉर्म में क्या करना है, निरूपित करना है और इसी फॉर्म को ग्राफ पेपर पे भी व्यक्त करना है। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया ना, मतलब पापा और मतलब डॉटर का एक कहानी भी चल रही है, इसी कहानी को आपने एक्स वाई के फॉर्म में स्टार्ट भी करना है और जब ऐसी समीकरण आपकी बन जाएंगी फिर इसको ग्राफ पेपर पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो आओ बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों ये वीडियो लंबा ना हो तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ करके यहाँ पर एंड करती हूँ। अब हमारा इसी के आगे सेकंड पार्ट शुरू होगा। तो बच्चों मैं सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू और बीजगणितीय मेथड के थ्रू आपका स्टार्ट करूँगी। तो जब तक आप इस इतनी बात को आप समझिएगा और इतना समझने के बाद तुरंत ही आपका पार्ट टू भी लोड हो जाएगा, तब आप पार्ट टू भी देख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन को तो जान के मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखा दिया जिससे आप
कंफ्यूज ना हूँ। तो ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।